नमस्कार दोस्तों, CGPSC मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा के पेपर 7 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के संबंध में चर्चा करेंगे। अगर अब अधिनियमों में जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें पहला अगर टॉपिक देखें तो वह दिया गया है भारतीय समाज के संबंध में, दिया गया है भारतीय समाज। अब भारतीय समाज से संबंधित चार प्रश्न हमने आज से 3 दिन पहले अर्थात 2 मार्च को हमने डिस्कशन कम्युनिटी में, हमारी वेबसाइट के डिस्कशन कम्युनिटी में 2 मार्च को इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए थे। इन 4 प्रश्नों में आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। अब उन्हीं प्रश्नों और उन उत्तरों के आधार पर उन्हीं प्रश्नों को और कैसे बेहतर लिखा जा सकता है और कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं आप, उस पर मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे आंसर लिखे हैं और डिस्कशन कम्युनिटी में हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप सब एक दूसरे का आंसर वहां पर देखें और उन आधारों पर आप अपने जो आपने लिखा है आंसर उसको चेक करें कि उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग नज़रिए होते हैं और उन नज़रियों के आधार पर अगर आप देखते हैं कि आंसर हमें कैसे लिखना है तो आपका जो उत्तर है वो और अच्छा होते जाता है। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने डिस्कशन कम्युनिटी का पैनल क्रिएट किया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम वीडियो से 3 दिन पहले वहाँ पर क्वेश्चंस डालते हैं और वहाँ पर आप लोग काफ़ी लोग अच्छा सा आंसर लिख रहे हैं। वहाँ पर हमें काफ़ी खुशी होती है कि आप वहाँ पर काफ़ी अच्छा आंसर लिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने क्वेश्चंस दिए थे हमारे, तो मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो दिया था कि भारतीय समाज को देखने के विभिन्न नज़रियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये प्रश्न था कि भारत के समाज को, ये हमने टॉपिक था भारतीय समाज, तो भारतीय समाज है तो सबसे पहले तो हमें इसी टॉपिक को समझना पड़ेगा। ये भारतीय समाज क्या है? देखिए, मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वे ज़्यादातर प्रश्न अब तक जो भी पूछा गया है अगर आप देखेंगे तो वे जो भी टॉपिक दिया रहता है उस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन नहीं आते हैं। UPSC का पैटर्न हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है। सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है उसी टॉपिक को डायरेक्ट क्वेश्चन का रूप दिया जाता है, तो उसी आधार पर अगर पहला टॉपिक है आपका भारतीय समाज तो वो पूछेगा कि भारतीय समाज को आप किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों ने लिखा कि भारतीय समाज को हम जातिगत समस्याओं के कारण देखते हैं, धर्म के आधार पर देखते हैं, बहुत कुछ लिखा गया है और हम कह सकते हैं कि एक अच्छा है लिखा गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारतीय समाज को, अगर आप NCERT क्लास 12 की बुक देखते हैं और जब वहाँ पर देखते हैं कि समाज इस शब्द को देखा जाता है, उसने लिखा है समाज के बारे में, समाज के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि समाज को जब कोई व्यक्ति देखता है तो समाज को देखने के हर व्यक्ति के अपने अपने नज़रिए होते हैं। समाज को देखने के नज़रिया इस कारण परिवर्तित होता है क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में हम रहते हैं इसलिए हमारा जो ज्ञान है समाज के बारे में वो बिल्कुल भी क्या है, शून्य तो नहीं है। समाज के बारे में हम कुछ ना कुछ तो जानते हैं और जिस समाज में हम रहते हैं, देखिए समाज हम जातिगत कारणों के आधार पर देख सकते हैं कि हम कोई उच्च जाति से संबंधित है, किसी और तरीके से जातियों से संबंधित है, कोई धार्मिक आधार पर अलग हो सकता है, कोई आर्थिक आधार पर अलग हो सकता है, जो समाज का बंटवारा है वह कई आधारों पर हुआ है। अब इसके आधार पर अगर आप देखें तो जो व्यक्ति जिस सामाजिक वर्ग से संबंधित होगा जब वह अपना उत्तर लिखेगा तो उसका प्रभाव वहाँ पर कहीं ना कहीं दिखेगा, अर्थात एक व्यक्ति जब उत्तर लिखेगा या अपनी बात रखेगा तो जिस समाज से वह संबंधित है उससे वह कहीं ना कहीं निरपेक्ष नहीं हो पाएगा, वह उस समाज के कुछ पूर्वाग्रहों को अपने साथ लेकर आएगा। अब हम क्योंकि एक अच्छा उत्तर लिखना है हमें तो हमें इस प्रश्न में समाज, जिस सामाजिक वर्ग से हम संबंधित हैं, हम उस सामाजिक वर्ग के जो भी हमारे पूर्वाग्रह हैं हमें उससे दूर होना होगा और उत्तर को क्या करना होगा, निरपेक्ष रूप से लिखने का प्रयास करना होगा। तो सबसे पहली जो बात है हमारी वह यही है कि जब हम समाज को बताने वाले हैं तो हम क्या हो जाएं, थोड़ा निरपेक्ष हो जाएं। वैसे तो कहा जाए तो ये एक आदर्श स्थिति होगी जब हम किसी सामाजिक वर्ग से संबंधित हैं और हम उस सामाजिक वर्ग से निरपेक्ष होकर एक उत्तर लिखें। जैसे आप, मैं, हम देखते हैं कि
जैसे छत्तीसगढ़ में 1 रुपये किलो में चावल दिया जा रहा है, एक वर्ग ऐसा है जो उससे लाभान्वित हो रहा है और उसे लगता है कि यह योजना निश्चित रूप से चलनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है वह यह कहता है कि सरकार की चावल जैसी योजनाओं के कारण मजदूर मिलना बंद हो गए हैं और इस कारण इस तरह की योजनाएँ नहीं चलनी चाहिए। देखिए, एक हितग्राही वर्ग की सोच अलग हो सकती है और जो लोगों को मजदूर नहीं मिलते हैं उनकी सोच अलग हो सकती है। एक ही समाज है और सरकार की एक योजना है, इसके संबंध में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो इस कारण अगर हम छोटी बातों पर जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने वैचारिक सोच से प्रभावित होंगे। तो हम ऐसे प्रश्नों को डील करते समय सोच को थोड़ा बड़े लेवल पर ले चलते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हों, और उत्तर को क्या है एक बड़े लेवल पर एक बड़ी पिक्चर के हिसाब से दिखाने का प्रयास करेंगे तो हम एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। जैसा कि अगर देखें आप तो समाज को, अगर आप भारतीय समाज को देखें तो सबसे पहला जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि आप जनसंख्या के आधार पर देखें, जनसंख्या में हम भी शामिल हैं, दूसरे धार्मिक समूहों के लोग भी शामिल हैं और आर्थिक समूहों के लोग भी शामिल हैं। तो जब आप जनसंख्या के आधार पर देखें तो आप यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज में क्या है, जनसंख्या का बहुत ज़्यादा विस्तार है, पहली लाइन हुआ। अगर ये जनसंख्या का विस्तार है तो जनसंख्या क्या हो सकती है, आपके लिए समस्या भी हो सकती है और एक महत्वपूर्ण घटक हो सकती है आपके विकास के लिए, ठीक। साथ ही देखिए, इन प्रश्नों के साथ अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो उत्तर लिखते समय अपनी बात को प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मेंस में अगर उत्तर लिखना कहा जाए तो प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और उत्तर आप अपने वैचारिक सोच के आधार पर लिख सकते हैं। यदि वैचारिक सोच के आधार पर मैं देखूं तो हम सही डेटा वहां पे नहीं दे पाएंगे। अगर हम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उस डेटा शामिल कर लें, जैसा कि हम अगर देखें कि हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की, है ना, जनसंख्या कि भारत की जनसंख्या अधिक है, तो भारत की जनसंख्या अधिक है तो साथ में हम लिख दें कि लगभग 121 करोड़ की हमारी क्या है, जनसंख्या है। अब ये किस तरीके से हमारे नुकसान है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार मुहैया कराना सरकार के लिए समस्या बन रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है, बेरोजगारी की दर ज़्यादा है, तो बेरोजगारी की दर आप लिख दीजिए कितना परसेंटेज आपका बेरोजगारी है। मान लीजिए हमने कहा कि 6.1% की बेरोजगारी दर है, तो इस तरीके से अगर हम कहें कि हमारे लिए हमारी जनसंख्या बहुत अच्छी है तो हमारी जनसंख्या हमारे लिए कैसे अच्छी हो सकती है, हम कर सकते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के बारे में बात, कि हम स्किल डेवलपमेंट अगर हमारे लोगों का हो जाए, हमारे वर्ग में आप लिख सकते हैं कि युवा वर्ग का जो परसेंटेज है, भारत में जो युवा वर्ग है वो लगातार बढ़ रहा है और 50% से अधिक जो है भारत में युवा वर्ग हो चुका है, और ये जो है विकास में अगर ये स्किल हो गया तो ये क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरीके से देखें तो अगर आप अपने उत्तर में थोड़ा सा डेटा शामिल कर लेते हैं तो ये आपके उत्तर में और नंबर पाने के जो चांसेस है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं उसका पहला उत्तर हमने लिखा है, पहले दो जैसे 175 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो आपको समझ में आ गया है कितनी लाइनें हैं। एक लाइन में हमने कहा था कि लगभग 10 शब्द हम लिख रहे हैं, तो लगभग 17 से 18 लाइन हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो शुरू के 3 लाइन में जब हम 15 नंबर का क्वेश्चन होगा और 175 शब्दों में लिखना होगा, तो हम पहला शुरू तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, 2 लाइन का इंट्रो दे सकते हैं, और इंट्रो में जैसे मैंने कहा कि समाज को देखने का हर व्यक्ति का क्या है, अपना नज़रिया होता है, और कोई भी व्यक्ति शून्य से क्या है समाज को शुरू नहीं करता है देखने का, और उसका कहीं ना कहीं अपनी भूमिका होती है, जिस परिप्रेक्ष्य में वह रहता है, जिस समाज में वह रहता है वहाँ से क्या, वहाँ के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है। पर समाज को हम अगर एक निरपेक्ष तरीके से देखें तो यह क्या होगी, एक आदर्श स्थिति होगी। और उसके बाद आप समाज को किस तरीके से देख रहे हैं, तो भारतीय समाज को हम निम्न नज़रिए से देखते हैं। तो पहला जनसंख्या आप देख सकते हैं कि जनसंख्या क्या है, भारतीय समाज में जो भारत है वहाँ की जनसंख्या है, जनसंख्या आदि क्या है, जनसंख्या को प्रूफ करने के लिए हमने क्या कहा, देखिए जनसंख्या एक कारण के रूप में दे रहा हूँ, आप कहेंगे समाज में है तो जनसंख्या तो होगी ही सर, तो हमने समाज में ये 121 करोड़ की जनसंख्या दिया, उसके बाद हमने बेरोजगारी और युवा वर्ग, जैसा कि आप लोगों ने लिखा है कि भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, भारतीय समाज में युवा वर्ग है, तो ये आप जो है क्या कर सकते हैं, अब उत्तर के टॉपिक में शामिल कर सकते हैं सब टॉपिक के रूप में कि हाँ यहाँ पर, और अगर इसका आप डेटा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्तर आपका और अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे दूसरा पॉइंट देखें, अब हम यदि देखें कि जनसंख्या के बाद अगर हम भारतीय समाज को अन्य नजरिए से देखें तो दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका कि भारतीय समाज में क्या है, जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं,
और परिवार है। भारतीय समाज अगर आप देखें तो विभिन्न जातियों से संबंधित है। अब यहाँ पर आप जातिगत में देखें तो यहाँ पर भी आप छोटा सा एक आंकड़ा दे सकते हैं कि भारतीय समाज में किस तरीके से जातियाँ हैं, अलग अलग जातियाँ। और अगर जातियों का डाटा आप नहीं दे सकते तो आप तो कम से कम दे सकते हैं कि SC ST OBC, कम से कम इन दोनों का तो आप ST और SC की जनसंख्या परसेंटेज आपको पता है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर इतनी जनसंख्या है। तो इस प्रकार से आप देखें, आप इन दोनों की क्या दे सकते हैं, जनसंख्या दे सकते हैं। दूसरा आप दे सकते हैं भारत एक जनजाति समाज के रूप में, तो भारत में एक बड़ा वर्ग जनजाति समाज का है। जनजाति समाज के बारे में खास क्या चीज़ है कि अभी तक मुख्य धारा में जो समाज है हमारा, उस समाज से जनजाति समाज कहीं ना कहीं अछूता है। कुछ वर्ग तो शामिल हुआ है लेकिन हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा है कि मुख्य वर्ग में शामिल हों। तो वनांचलों में रहना, वहाँ के नए रोजगार पैदा करना, इस संबंध में अगर देखें तो भारतीय समाज अभी तक जनजाति समाज को पूर्ण रूप से मुख्य धारा में नहीं ला पाया है। तो अगर भारत में देखें तो भारतीय समाज को अब एक जनजाति नज़रिए से भी देख सकते हैं। दूसरा है भारत में परिवार की भूमिका, तो भारत एक संयुक्त परिवार की भूमिका देखें। अब भारत क्या हो रहा है, ग्रामीण व्यवस्था से शहरी व्यवस्था की ओर जा रहा है, तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की जो भूमिका आ रही है तो वहाँ पर आप भी भारतीय समाज को देख सकते हैं। तो ये एक दूसरा नज़रिया हुआ, एक नज़रिया हुआ आप जनसंख्या के आधार पर, दूसरा हुआ जातियाँ जनजातियाँ और परिवार के रूप में भारतीय समाज को देखने का। ठीक, हमारा इसमें तीसरा पॉइंट बन सकता है विषमता का। भारतीय समाज में क्या है, बहुत अधिक विषमता है। अगर आप देखें भारतीय समाज को तो बहुत कम लोगों के पास बहुत अधिक धन है। तो अगर आप गरीबी के लेवल पर देखें, अमीरी और गरीबी की जो विषमता है वो काफ़ी अधिक है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 2% लोग ही भारत में जितना धन है इनके पास, जो अमीर 2% लोग हैं, और बाकी जो 70-75% लोग हैं यहाँ के, उनके पास जो धनराशि है वो इक्वल है। मतलब एक तरफ तो केवल 2% लोग हैं और एक तरफ 70-75% लोग हैं। तो अगर इस प्रकार आप देखें भारत में अमीरी और गरीबी की जो विषमता है वह काफ़ी अधिक है। दूसरा आप देखें तो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो विषमता है, भारतीय समाज कहीं ना कहीं अगर ऋग्वैदिक काल को छोड़ दिया जाए उसके बाद जो पुरुषवादी समाज के रूप में ही रहा है, तो भारत में सबसे अधिक जो पुरुष वर्चस्व है वह अधिक है। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो विषमता है वह भी एक यहाँ पर बड़ी समस्या के रूप में है। तो भारतीय समाज को आप देखो तो एक पुरुषवादी समाज के रूप में दिखता है, और विषमता यहाँ कह सकती है महिला अधिकारों के संबंध में आपको देखने को मिलती है। एक विषमता आपको दिखती है अमीरी और गरीबी के संबंध में। तो देखिए अमीरी और गरीबी के संबंध में जब आप दे रहे हैं तो आप इस तरीके के कुछ डेटा दे सकते हैं। अगर आप महिलाओं के संबंध में दे रहे हैं तो महिलाओं के संबंध में जो उत्पीड़न होते हैं और जो सरकार को अधिनियम बनाने पड़े, चाहे वो घरेलू हिंसा के संबंध में अधिनियम बनाने की बात हो, चाहे वह समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित अधिनियम हो, इन दोनों के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कि सरकार को इनके संबंध में अधिनियम बनाने से पड़ रहे हैं। साथ में जैसे वर्तमान में आप इसमें जोड़ सकते हैं कि 3 तलाक के संबंध में सरकार ने नियम बनाया, तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के संबंध में आपको कुछ अधिकार दिए गए। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो विषमता थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया, और भारतीय समाज इस तरीके के कई विषमताओं से ग्रसित है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विषमता भारतीय समाज में आप देखने का एक नज़रिया हो सकता है। अब यदि अगर चौथा पॉइंट देखने की कोशिश करें अन्य पॉइंट के रूप में, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज में विविधता है। भारतीय समाज में विविधता है। अब विविधता के संबंध में भी अगर आप सब पॉइंट बनाना चाहें तो क्या हो सकती है, सबसे पहले तो हम भौगोलिक विविधता के रूप में जाते हैं। तो भौगोलिक विविधता के रूप में देखें तो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया अलग तरीके से है, हमारा राजस्थान अलग ही, साउथ का हमारा पूरा एरिया अलग तरीके से है, और मध्य भारत कुछ अलग तरीके से है। तो अगर आप देखें तो भौगोलिक रूप से भारत में काफ़ी विविधता है, और भारतीय समाज अगर भारत के पूरे समाज को देख रहे हैं तो इन्हीं आधारों पर भारतीय समाज अपने आप को अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग ही तरीके के दिखते हैं और शायद आप उन्हें अलग नज़रिए से भी देखते हैं। अब साउथ के लोगों को भी, भारत में जो दक्षिण के लोग हैं उनको भी देखने का आपका नज़रिया अलग हो सकता है और उनका आपको देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। तो अगर आप भारतीय पूरे समाज को देखें तो भारत में इस तरीके की जो भौगोलिक कारणों से विविधता आई है वो काफ़ी अधिक है। तो भारतीय समाज को आप विविधता के, भौगोलिक विविधता के आधार पर देख सकते हैं। दूसरा क्या देख सकते हैं, यहीं पर आप देख भौगोलिक विविधता के साथ साथ आपको भाषाई विविधता देखने को मिलती है। अर्थात देखिए अलग अलग प्रदेशों में, लगभग भारत में जितने भी प्रदेश बने हुए हैं वे भाषाई आधार पर ही बने हुए हैं।
हुए हैं। तो भाषाई आधार पर देखें तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और ये भाषाई विविधता अलग अलग रूप से आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इन भौगोलिक और भाषाई विविधता के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विविधता भी है। तो अलग अलग पर्व और त्यौहार मनाने की भी हमारी विविधताओं में शामिल है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहारों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से अगर देखें तो भारतीय समाज को आप भौगोलिक आधार पर, भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर अलग भी अलग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप खुद को देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पूरे संपूर्ण भारत को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि आपको पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकते हैं, वैसी कोई संभावना नहीं है। हम अपना उत्तर क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर भी कुछ डेटा शामिल कर सकते हैं कि भारत में 7 उत्तर पूर्व के राज्य हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, भारत से अलग प्रतीत हो रहे हैं हमको, है ना। अब इनको कैसे भारत में जोड़ा जाए और ऐसी कौन सी सामाजिक नियम बनाए जाएं या कौन सी पद्धति अपनाई जाए कि ये सब महसूस कर सके कि वे एक संयुक्त भारत का अंग है। क्योंकि आप देखते हैं चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, असम हो, वहाँ कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती रहती हैं जो ये दिखाती हैं कि वे कहीं ना कहीं इस मूल जो समाज है उससे कहीं ना कहीं वे अलग हैं। अब और किस तरीके से देख सकते हैं, तो और देख सकते हैं भारतीय समाज को अन्य रूप से आप बाजार के रूप में। भारतीय समाज में जो बाजार है, तो भारतीय समाज की जो विविधता है या भारतीय समाज को देखने का आपका नज़रिया है वो बाजार से कैसे संबंधित हो सकता है। तो अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज समाजवादी बाजार है, यानी समाजवादी व्यवस्था है, या हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है। इन दोनों के रूप में हम कहते हैं कि भारतीय समाज क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। मतलब भारतीय समाज कहीं ना कहीं क्या है, सरकार की भूमिका को भी लेकर चलता है और प्राइवेट सेक्टर की भूमिकाओं को भी लेकर चलता है। तो हम कहते ये हैं कि अर्थव्यवस्था के रूप में तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं जहाँ पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही योगदान होता है। लेकिन अगर समाज के रूप में आप देखते हैं तो कहीं कहीं ना आपको दिखेगा कि भारतीय समाज समाजवादी प्रक्रिया से प्रभावित हो रहा है और कुछ समाज जो है इस पूंजीवादी प्रक्रिया से संबंधित हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को आप देखते हैं वे दोनों अलग अलग इस कैटेगरी में आते जाते हैं। आर्थिक रूप से जरूर हम कहते हैं कि हम मिश्रित रूप से हैं, लेकिन सामाजिक रूप से आप देखें तो या तो हम समाजवादी भूमिका में होते हैं या हम पूंजीवाद की भूमिका में होते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं आप कि अगर अब इन सारे पॉइंट्स को आप अपने उत्तर में लिखते जाएं और कुछ ना कुछ आप आंकड़े देते जाएं कि समाजवादी में आप सरकार की भूमिका के संबंध में कुछ कंपनियों के नाम लिख सकते हैं, पूंजीवादी प्रक्रिया के तहत आप कुछ प्राइवेट कंपनियों के नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक डेटा भी आप साथ साथ वहाँ पर देते जाएंगे तो उत्तर चेक करने वाले को ये लगेगा कि कुछ नयापन है। क्योंकि देखिए जब हम इस तरीके के आंसर लिख रहे हैं तो इनमें सब लगभग एक ही तरीके के आंसर लिखते हैं, कुछ नयापन आना जो जरूरी है। और नयापन आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो हम बात कह रहे हैं, मैं उत्तरों के संबंध में हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई उत्तर मुख्य परीक्षा में लिख रहे हैं, कोई भी बात अगर आप लिख रहे हैं तो उसका आपको प्रूफ देना होता है। और प्रूफ देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पर आंकड़े दे दीजिए, सरकार की कोई योजना दे दीजिए और जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से हुआ है उसे वहाँ पर बता दीजिए। ये अलग अलग प्रश्न के साथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन केवल आप बात ना रखें, बात के साथ उसको प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पर आंकड़े के रूप में या योजनाओं के रूप में जब आप देते हैं तो आपका उत्तर एक सही उत्तर लगता है। नहीं तो लिखने को अगर प्रक्रिया में कहें आप, तो लिखने को तो अगर पेज मिले हुए हैं और 3 घंटे आपको लिखने हैं तो वहाँ हर कोई लिखता है, लेकिन अच्छे अंक तभी आपको मिलेंगे जब आप अपने उत्तर को सही साबित करने की पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था कि भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो अगर हम जैसे पहले प्रश्न के उत्तर में देख रहे थे कि भारतीय समाज को देखने का नज़रिया क्या है, तो आप चाहें तो इन चीज़ों को समस्या के रूप में भी देख सकते हैं। चाहे भारत में जनसंख्या की एक समस्या के रूप में आप देखें, चाहे भारत में भाषाई समस्याओं को देखें, जातिगत समस्याओं को देखें, जनजातियों में क्या समस्याएं हैं उन्हें देखें, आप यह भी देख सकते हैं कि भारतीय बाजार में क्या क्या समस्याएं हैं, सामाजिक आधार पर कौन कौन सी समस्याएं हैं। मैं अगर डिस्कशन कमेटी में गया था वहां पर जो मैंने उत्तर देखे उसके आधार पर इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा लिखा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समस्याओं के बारे में काफ़ी ज्ञान है कि भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं। ध्यान यही रखिएगा कि पॉइंट में आप लिखेंगे आंसर, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। अगर हम 100 शब्द में लिख रहे हैं इस प्रश्न को तो हम कम से कम 10 पॉइंट अपने दें। चाहे आप बात कर रहे हो कि भारतीय समाज में गरीबी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बताएंगे
कि गरीबी है भारतीय समाज में, तो बस यह कह देना सही नहीं होगा कि भारतीय समाज में या भारत में गरीबी है। भारत में अगर गरीबी है तो भारत में गरीबी का परसेंटेज क्या है, उसमें साथ साथ कि भारत में जैसे छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है यहाँ पर 48% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आती है, तो इसको भी आप रेखांकित करेंगे। जिस बात को आप कह रहे हैं उसको आप लिखेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या है तो आप किसी एक रिपोर्ट को वहाँ पर कोट करेंगे कि इस रिपोर्ट के आधार पर, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई इंडेक्स आया है उसमें भारत का स्थान 84 आया है आपका, है ना, 100 देशों में या 90 देशों में। आप यह कह सकते हैं कि इस इंडेक्स के आधार पर भारत का स्थान सबसे नीचे आया है भ्रष्टाचार के मामले में, भारत में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। तो जब भी आप कोई समस्या लिख रहे हैं तो उसका क्या लिखेंगे, आप उसका कारण बताएंगे। जैसे आपने लिखा कि महिलाओं के संबंध में यहाँ पर समस्याएं हैं, महिलाओं को उत्पीड़न होता है, तो किसी पर्टिकुलर केस को वहाँ पर लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमें 2012 में दिल्ली में घटना हुई है और उसके दोषियों को हम अब तक सजा नहीं दे पाए हैं, तो ये महिलाओं के संबंध में जो उत्पीड़न होते हैं या उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी करते हैं अगर हम, क्या हो रहा है न्याय में अगर देरी होती है। तो जब भी आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसका डेटा देंगे। बाकी मैं कहूँ कि इस संबंध में आप डिस्कशन कमेटी में ज़रूर जाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा लिखा है, बट उसमें भी मेरा यही कहना है कि जब भी बात लिख रहे हैं उसको किसी योजना, डेटा, तथ्य या न्यूज़ से जोड़ कर लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर पाने की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आंसर चेक करने वाले को लगेगा कि आपने कुछ जानकारी इकट्ठा की है और उसके आधार पर लिखा है। मात्र यह कह देने से कि भारत में भ्रष्टाचार अधिक है, गरीबी अधिक है, महिलाओं के संबंध में अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आप पर्टिकुलर केस को लिखेंगे या उसके संबंध में सरकार ने क्या किया है इसके बारे में लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप डिस्कशन कमेटी में जाकर पढ़ेंगे और काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ है। मैं अब तीसरे प्रश्न पर चर्चा करूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विधान को परिभाषित कीजिए। देखिए, सामाजिक विधान को परिभाषित कीजिए हमने लिखा। जब हम कहेंगे परिभाषित कीजिए, जब भी कहीं पर आए कि परिभाषित कीजिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी विचारक या किसी राइटर के जो उसने डेफिनेशन दी है उसकी, उससे ही लिखने का प्रयास करें। होता यह है कि अगर हमने परिभाषित पूछा है तो परिभाषाएं आप स्वयं भी बना सकते हैं, बट परिभाषाओं के संबंध में ही कहा जाता है कि यदि अगर किसी विशेष राइटर का नाम वहां पर लिख दिया जाए तो वहां अंक पाने की गुंजाइश आपकी ज़्यादा बन जाती है। ये प्रश्न 2 नंबर का है और 2 नंबर में अगर आप एक राइटर का नाम लिख दें कि डॉक्टर सक्सेना के अनुसार सामाजिक विधान क्या होते हैं, तो आप देखें जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है कि सामाजिक विधान का डेफिनेशन लगभग आपको विकिपीडिया करेंगे तब पर भी ही मिलेगा। और तो हमने क्या किया, वहाँ पर एक राइटर का नाम दे दिया कि इनके अनुसार सामाजिक विधान क्या होता है। तो सामाजिक विधान क्या है, सामाजिक विधान वह है कि जो उम्र, लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति के हिसाब से कमज़ोर हैं और उनवे अपना विकास, जो मानव अधिकार है उनके और जो स्वास्थ्य जीवन है, जो आर्थिक स्थिति है सामान्य रूप से होनी चाहिए, उसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और उनको उत्थान के लिए, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए जो हम विधान बना रहे हैं वे क्या हैं, सामाजिक विधान के अंतर्गत आते हैं। अर्थात एक कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, उसकी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हम जो विधान बनाएंगे, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, तो आप देखेंगे जो सामाजिक विधान जब भी शब्द आएगा वहाँ पर आएगा एक वर्ग ऐसा होगा जिसे सामाजिक रूप से कमज़ोर समझा जा रहा है या वो सामाजिक रूप से कमज़ोर है और उस कमज़ोर वर्ग को ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सामाजिक विधान बनाते हैं। तो सामाजिक विधान को इस तरीके से आप देखेंगे। और सामाजिक विधान अगर इसे परिभाषित करने के संबंध में कोई प्रश्न आ रहा है, यही प्रश्न नहीं कोई अन्य प्रश्न भी आता है अगर, तो एक पर्टिकुलर राइटर का डेफिनेशन अगर आप ले लें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। परिभाषाएं कुछ इस तरीके की आपको याद करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप परिभाषा किसी राइटर के आधार पर करेंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विधान समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए, सामाजिक विधान है और हमने कहा ये समाज को प्रभावित करने हैं। तो जब मैं डिस्कशन कम्युनिटी में आप लोगों के उसमें उत्तर देख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से उत्तर लिखे हैं कि सामाजिक विधान सकारात्मक पक्ष, सामाजिक विधान के नकारात्मक पक्ष। अब हमने अपने तीसरे प्रश्न में कहा था सामाजिक विधान की परिभाषा लिखिए। सामाजिक विधान की परिभाषा में हमने देखा कि ऐसा विधान जो उम्र, लिंग, जाति, धार्मिक स्थिति या आर्थिक स्थिति पर कमज़ोर हैं और उनको क्या है, हमें
अच्छा करना है, उन्हें उनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए हम जो विधान बनाते हैं वह सामाजिक विधान है। अगर इस डेफिनेशन को अगर हम देखें और उसके बाद इस प्रश्न को देखने जाएं, तो नकारात्मक पक्ष तो हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि सामाजिक विधान लाया ही क्यों जा रहा है, कमजोर वर्ग को ऊपर लाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को ऊपर लाया जाएगा तो कोई ना कोई वहाँ उस ऊपर की पोजिशन पर होगा, तो उसको अपनी जगह देनी पड़ेगी, तो वह क्या होगा, उससे प्रभावित होगा, तो वह उसे नकारात्मक कह सकता है। परंतु हमें एक कमजोर वर्ग को क्या करना है, ऊपर तो लाना ही है। जैसे यदि हम कहें आरक्षण के संबंध में कुछ नियम बनाए गए, यदि आरक्षण के संबंध में नियम बनाए जा रहे हैं तो एक वर्ग जो अब तक कहीं ना कहीं समाज से अलग थलग था, उसे ऊपर लाने के लिए क्या किया जा रहा है, आरक्षण संबंधी नियम लाए गए हैं। अब आरक्षण लाने से हो क्या रहा है, एक वर्ग जो ज़्यादा नौकरियां पा रहा था या सामाजिक रूप से ज़्यादा प्रतिष्ठित था, उसके अधिकार क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह क्या कह सकता है, उसे गलत कह सकता है। परंतु आरक्षण संबंधी नियम क्या हो जाते हैं, सामाजिक विधान के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अगर यदि आप देखें तो ये समाज के लिए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जरूरी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिव्यांगजनों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, तो आप वहां पर देखेंगे कि 2% 3% जो भी आरक्षण का परसेंटेज दिया जाएगा, वहां दूसरे वर्ग के आरक्षण में कम क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इससे वह वर्ग प्रभावित होगा ही होगा। तो वह वर्ग इसे गलत कह सकता है या नकारात्मक कह सकता है, बट अगर किसी चीज़ को हम सामाजिक विधान के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, तो सामाजिक विधान जो है समाज को बेहतर बनाने का प्रयास ही हो सकता है। तो जब भी सामाजिक विधान देखें अगर समाज में प्रभाव को, तो आपने जो उत्तर लिखे हैं सबसे पहली चीज़ तो यही आएगी कि आप समाज को देखने का नकारात्मक जो पक्ष आप देख रहे हैं वहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, आप सकारात्मक पक्षों को ध्यान में रखकर ही अपना आंसर लिखेंगे। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक उत्तर लिखे हुए हैं, जैसे उन्होंने ये लिखा कि सामाजिक विधान समाज में सामाजिक समानता लाता है, सामाजिक समानता लाता है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि समाज अच्छा हो जाता है, समाज में परिस्थितियाँ बेहतर बन जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, समाज बेहतर बनता है, समाज की विषमताएं दूर होती हैं। लेकिन वे कौन से अधिनियम हैं जिन्होंने सामाजिक विषमता को दूर किया, ये लिखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 8 से 10 अधिनियम याद करेंगे और उसे अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। जैसे अगर आप देखें, मैंने कुछ अधिनियम आपके लिए निकाले हुए हैं कि इन अधिनियमों को आप याद रखेंगे कि ये अधिनियम कब आप कब आए। जैसे सामाजिक विषमता को अगर देखें, तो सामाजिक विषमता जब हम देख रहे हैं तो महिला और पुरुष और अमीर और गरीब के बीच का हम विषमता देख रहे थे, तो अमीर और गरीब के बीच विषमता को दूर करने के लिए सरकार क्या लाती है, एक टैक्स का नियम लाती है कि अमीरों से अधिक टैक्स लिया जाएगा, गरीबों से कम टैक्स लिया जाएगा, एक हो गया। दूसरा, महिलाओं और पुरुषों के संबंध में विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, घरेलू हिंसा अधिनियम लाया सरकार ने, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाया जा सके। उसके बाद आपने क्या देखा, महिलाओं को जो उनमें अत्याचार हो रहे थे उनकी रक्षा करने के लिए IPC के एक्ट में कुछ परिवर्तन किए, जिनके आधार पर आप देखते हैं कि छेड़छाड़ की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, या कह सकते हैं कि महिलाएं कानूनी रूप से ज़्यादा सशक्त हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पिता की संपत्ति है उसमें भाई के साथ साथ उसकी बहन का भी अधिकार दिया गया। तो जब आप सामाजिक समानता या विषमता के बारे में लिख रहे हैं तो आप इन अधिनियमों को शामिल करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बताएंगे, आप टैक्स सिस्टम के बारे में बताएंगे, यानी कि आप सरकार की नीति के संबंध में बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर अधिनियम के बारे में जिसमें स्त्रियों के संरक्षण अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उनके भाइयों के असमान ही अधिकार पिता की संपत्ति में दिए। तो आप देखेंगे जो समाज में विषमता थी, जो पुरुषवादी समाज था, जो पुरुषवादी समाज हावी था, वहाँ क्या हुआ, अलग हुआ और वहाँ पर महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त हुए। तो आंसर में केवल आप सिर्फ ये नहीं लिख देंगे कि सामाजिक विषमता को दूर किया गया या सामाजिक विषमता को दूर कर रहे हैं और महिला और पुरुष बराबर हो गए हैं, वो हुआ कैसे है, किस अधिनियम से हुआ, किस एक्ट की हुआ, सरकार की किस योजना से हुआ, सुप्रीम कोर्ट की किस आदेश से हुआ, इसको आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। जब आप ये मेंशन करेंगे तो आपका उत्तर एक अलग तरीके से दिखेगा और इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने सबका आंसर देखा, सब ने लगभग अच्छा उत्तर लिखा है, आप कह सकते हैं पॉइंट सब ने शामिल किए हैं विषमता को दूर करने के लिए। फिर आपने लिखा है सामाजिक न्याय को लाने के लिए,
अब लिखा उन्होंने सामाजिक न्याय को लाया। सामाजिक न्याय देखिए जातिगत व्यवस्था से ज़्यादा संबंधित है। सामाजिक न्याय शब्द यूज ही होता है। अगर आप देखें बिहार चुनाव अगर अभी होने वाला है तो वहाँ सामाजिक न्याय का मुद्दा अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध रहेगा, क्योंकि जातिगत समीकरण वहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब सामाजिक न्याय अगर आप बात करेंगे तो सामाजिक न्याय किस तरीके से लाया गया, तो आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे कि सिविल अधिकार संरक्षण 1955, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इनके माध्यम से सरकार ने क्या किया, एसटी और एससी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनको क्या किया, इन अधिनियमों के माध्यम से सरकार ने बचाया और उनको संरक्षण प्रदान किया। तो जब आप लिखेंगे कि हम सामाजिक न्याय दे रहे हैं तो सामाजिक न्याय दे रहे हैं तो आप किसके माध्यम से दे रहे हैं, एक्ट के माध्यम से दे रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर एक्ट का क्या करेंगे, वहाँ पर वर्णन करेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने इस सामाजिक न्याय को क्या किया, स्थापित किया है। तो इस एक्ट की बात करेंगे। जैसा हम कहेंगे अगला पॉइंट लिख सकते हैं या लिखा है बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर भी कि कुरीतियों का अंत हुआ है सामाजिक विधानों के माध्यम से। पर अब उन्होंने कहा कुरीतियों का अंत हो गया, समाज बेहतर बन गया। नहीं, कुरीतियों का अंत हुआ ये पॉइंट आपका सही है, पर आप वहाँ लिखेंगे किन अधिनियमों के माध्यम से कुरीतियों का अंत हुआ है। तो आप वहाँ पर लिखेंगे जो सती प्रथा अधिनियम था वह एक कुरीति के रूप में था, सती प्रथा जो थी वो कुरीति के रूप में। अब सती प्रथा अधिनियम लाकर क्या किया, निवारण अधिनियम ला, सती प्रथा निवारण अधिनियम लाकर आपने क्या कर दिया, इस प्रथा को पूर्ण रूप से अंत कर दिया। तो जब आप अधिनियम पर्टिकुलर नियम को ला देते हैं वहां पर, तब वो क्या हो जाता है, आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। फिर लिखा है आपने कि बच्चों को जो लाया गया, बच्चों और महिलाओं के संबंध में आप लोगों ने लिखा है कि महिलाओं को सशक्त बनाया गया, महिलाओं को अधिकार दिया गया। तो महिलाओं को अधिकार किन एक्ट के माध्यम से दिया गया, तो उस पर्टिकुलर एक्ट को आप वर्णन करेंगे। साथ में लिखा गया है कि बच्चों को अधिकारों का संरक्षण किया गया है, तो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के कारण किया गया। आप लोगों ने लिखा है कि वहाँ पर कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बढ़ाने का प्रयास किया गया, तो शिक्षा में किस तरीके से परिवर्तन किए गए और कौन से अधिनियम लाए गए। आप कह सकते हैं सामाजिक जागरूकता करने के लिए जैसे सूचना के अधिकार अधिनियम लाए गए, उनके संबंध में आप लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि दिव्यांगजनों के संबंध में जो अधिकार लाए गए, साथ में लिख सकते हैं आप मजदूरों के संबंध में कौन से अधिनियम लाए गए। तो इस तरीके से आप जो हमने आपको एक्ट दिए हुए हैं और जिन एक्ट के माध्यम से सरकार ने सामाजिक परिवर्तन लाए, जब आप पॉइंट लिखेंगे तो ये पॉइंट जो आपने शामिल किए हैं, आप सब जिन लोगों ने डिस्कशन कम्युनिटी में नहीं देखा है वे वहाँ वेबसाइट पर हमारे जाएंगे और उन उत्तरों को देखेंगे। और साथ ही अब देखेंगे कि अब अपने उत्तर में जो एक्ट हमने आपको दिए कि इन इन एक्ट को आप क्या करेंगे, शामिल करने का प्रयास करेंगे अपने उत्तर में। कम से कम आप 10 एक्ट का नाम तो याद रखेंगे और इन 10 एक्ट को आप लिखेंगे किस तरह से इन्होंने क्या किया है, समाज में बदलाव लाया है। अगर आप एक्ट की वहाँ पर चर्चा करते हैं तब चेक करने वाले को लगता है कि आपने क्या लिखी, ये बात लिखी और उसके प्रूफ के रूप में लिखा कि हाँ सामाजिक विषमता दूर हुई, महिलाओं को क्या किया गया, सशक्त बनाया गया, दिव्यांगजनों को रक्षा की गई, एसटी और एससी का संरक्षण किया गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इन सामाजिक विधानों ने समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लाया है, आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अदरवाइज अगर आप लिखते बस हैं पॉइंट बनाकर कि इस तरीके से दूर हुआ है, तो वो उत्तर क्या होता है, बहुत ही कम नंबर मिलेंगे। अगर हम ये प्रश्न 15 नंबर में दे रहे हैं तो आपने पॉइंट लिखे हैं इस तरीके से, मैं 5 से 6 नंबर तो आपको दे सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा अंक आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप 10 से अधिक अंक मिलने हैं तो आपको कम से कम इस पूरे उत्तर में 10 एक्ट पर चर्चा करनी होगी और उनको एक दो लाइन में समझाना होगा कि किस तरीके से इस एक्ट ने सामाजिक भूमिका अपनी निभाई है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमने पूरे 4 प्रश्न पे देखा और अगला जो हमारा वीडियो होगा इस सीरीज में वो हम पर्टिकुलर एक्ट पर चर्चा करेंगे। ये हमारी श्रृंखला का पहला वीडियो था। इस पे इस पूरे यूनिट पर जो हमारा पार्ट 1 है पेपर 7 का, उसमें हम लगभग 10 वीडियो बनाएंगे और 10 वीडियो के अंदर हम लगभग सभी एक्ट पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि इन एक्ट में दिया क्या है और किस तरीके से हो सकते हैं। हम लगातार डिस्कशन कमिटी में क्वेश्चन दे रहे हैं, आप वहाँ जाइए वहाँ पर क्वेश्चन बनाइए। और क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम दूसरों के प्रश्नों के उत्तर को देखिए। वैसे कोशिश तो आपकी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा के लिए आप मेंस की तैयारी यहाँ पर हमारे साथ YouTube में कर रहे हैं। आप या आपका कोई दोस्त जो CGPSC प्री की अच्छी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हमने पूरे कोर्स को, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को देखें, चाहे आप इतिहास संविधान या मैथ रीजनिंग कोई भी टॉपिक हो उसको हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने मोबाइल कोर्स में। और उसकी कीमत अभी हमने 1000 लोगों के लिए कम की है, जिसमें से 500 से अधिक वो वीडियो बिक चुके हैं और हमने उसकी कीमत रखी है 3150 रुपये। तो आप अगर प्रारंभिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल
कोर्स अभी ले सकते हैं और इसकी कीमत अभी कम की गई है। तो आप मोबाइल कोर्स लीजिए, आप डिस्कशन कम्युनिटी में जाइए, अपने उत्तर लिखिए। और एक बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर बुक का नाम बता दीजिए, अब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत स्पेसिफिक बुक का होना ज़रूरी नहीं है। देख, अगर आप एक्ट के संबंध में बात कर रहे हैं तो आप टॉपिक उठाइए, आप इंटरनेट पे उसको डालिए, आपको उसके संबंध में चर्चा मिल जाएगी, उसके आधार पर आप आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारी वेबसाइट पर उत्तर डालिए, आप दूसरों के उत्तर को वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से दूसरे उत्तर लिख रहे हैं, और जो हम यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सोचिए कि कोई ऐसी बुक मिल जाए जो मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को कवर कर ले जाए और आप उसे याद कर लें और एग्ज़ाम में जाकर लिख दें, तो ऐसा मुख्य परीक्षा में नहीं होता है। आपको अपनी कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, और आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर पाना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो लगातार अपने उत्तरों को देखना होगा आपको और उसमें इम्प्रूव करना होगा। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, उस तरीके से आपका उत्तर अच्छा होता जाएगा। किसी एक बुक को फॉलो कर लेने से या उत्तर जिन्होंने लिख कर दे दिया है उसको मान लेने से सही उत्तर तो नहीं लिखा जा सकता। हाँ, निश्चित रूप से आप आइए, अपने उत्तर को अच्छा बनाने के लिए लगातार लिखिए। अब आप कैसे लिखेंगे, तो हम कई लोगों का यह कहना है कि आप लोग केवल यह कह रहे हैं कि लिखिए। लिखिए का मतलब होता है कि जो भी आप वैचारिक रूप से सोच रहे हैं उसे एक बार लिखिए। तो अगर आप एक वैचारिक रूप से जो भी सोच रहे हैं उसे लिखेंगे तो एक नया विचार आपके पास आएगा। उसके बाद आप दूसरे के विचारों को देखिए कि वह क्या लिख रहा है, फिर आप वीडियो देखिए कि हम वीडियो में आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद आप एक बार फिर से लिखिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपका पहले का उत्तर और दूसरी बार लिखा गया उत्तर में कितना अंतर है। तो हम तो लगातार आपसे यही कहते हैं कि अगर आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको स्वयं प्रयास अच्छे से करते रहना है। हम आपको जो चीजें बता रहे हैं उनको आपको फॉलो करते जाना है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।